श्रोमणी अकाली दल अते आम आदमी पार्टी वालों उम्मीदवार ऐलाने जाण तों बाद दोवें पार्टियां विच वड्डे पद्धर ते टिकटां कट्टे जाण दा विरोध किया जा रहा है। इस नूं लैके मौजूदा अते साबका दिग्गज आगुआं वालों अस्तीफे दिते जा रहे हन। इस दे चलदिआं अकाली दल दी हलका निहाल सिंह वाला तों मौजूदा विधायक बीबी राजविंदर कौर भागीके अते बीबी अमरजीत कौर दी हलके विच आपसी धड़ेबंदी नूं वेख के बीबी राजविंदर कौर भागीके की टिकट कटके जगराओं के विधायक एस के कलेर नूं हलका निहाल सिंह वाला तो उम्मीदवार ऐलान दिता गया। इस नूं लैके बीबी राजविंदर कौर भागीके ने पार्टी खिलाफ़ बगावत शुरू कर दिती है। दूजे पासे हलका बाघा पुराना तो मौजूदा विधायक महेश इंदर सिंह मेसी की टिकट कट के जिला प्रधान तीरथ सिंह माला नूं दिती गई है, जदों कि मेसी ने भी पार्टी हाईकमांड नूं बगावत करके अपना अस्तीफा भेज दिता है अते पार्टी खिलाफ बोलना शुरू कर दिता है। जिक्रयोग है कि महेश इंदर सिंह मेसी पहला कांग्रेस पार्टी छड़ के अकाली दल च शामिल होया सी। ते इलाका निवासियों नूं भी पता कि श्रोमणी अकाली दल ने मौजूदा MLA होने के बावजूद भी मेरी टिकट कट्टी है और टिकट कट्टण दा मैनू कोई अफसोस नहीं, कोई मैनू पार्टी नाल रोस नहीं। रोस इस गल दा कि सत असी वर्करा ने इकट्ठ कीता सी कि सानू साडे हलके दा नुमाइंदा चाहीदा ते साडे हलके नूं ही टिकट दित्ती जावे। सत दिन दा अल्टीमेट दित्ता सी जो अज पूरा हो गया और सत्तां दिनां तों उपर दिन हो गए कि सानू पार्टी दे किसे लीडर ने ना उम्मीदवार ने साढ़े तक पहुँच करना जरूरी नहीं समझिया। किस कर मैं मौजूदा MLA रही 5 साल लोगों की सेवा की है, मेरिया भी वोटा मेरे नाल लोग जुड़े आ, उन्होंने जरूरी नहीं समझिया कि असी MLA दे कोले भी जाइए उन्होंने भी नाल तोरीए। और जदों उम्मीदवार नहीं आया, पार्टी ने नहीं उम्मीदवार नूं मेरे कोले नहीं भेजिया, मेरे वर्करा कोले नहीं भेजिया, नाल तुरन लई नहीं कहा, तो फिर मैं ये जरूरी समझदी हाँ कि मैं श्रोमणी अकाली दल ते MLAship तो अस्तीफा दे देवां, क्योंकि मैं पार्टी दे विच रह के पार्टी का जिहड़ा नुकसान आ वह नहीं देख सकती, क्योंकि साडे बजुर्गों ने एमरजेंसी जेलां कट के बड़ियां लड़ाइयां बड़ियां घालणा घाल के श्रोमणी अकाली दल का इत्थे बूटा लाया सी। इस करके मैं पार्टी तो अस्तीफा दे के MLAship तो अस्तीफा दे के ते अपना घरे बैठे हाँ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰਾਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ, ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ? ਅਜੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਵਰਕਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਰੌਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਓ।